बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग फर्स्ट टाइम एक नॉन कॉमेडी शो होस्ट कर रहे हैं, स्पेशली मैं। भारती ने तो बहुत सारे शोज होस्ट किए हैं, बट इंडियाज़ गॉट टैलेंट और बहुत सारे शोज किए हैं। उसी को लगा बहुत किए, बट बड़ा मज़ा आ रहा है पति के साथ होस्ट करने में। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर्ष से, और तुम भी बोलो ना कि तुम भी सीखने को। हाँ, ये बहुत सीखती है और बहुत सॉरी। अच्छा, मैं भी सीखता हूँ भारती से। नहीं, जोक्स अपार्ट, ये जो स्टेज पे होस्टिंग की बात है और स्टेज पे खड़े रहकर ऐसी ऐसी बातें बोलना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज बीइंग अ राइटर आई नो कि जब मैं बैक स्टेज घर पर जाके आराम से लिखता हूँ तो 5 बार सोच के, 10 बार लिख के, 10 बार रीराइट करके एक अच्छी लाइन निकलती है। पर ये लोग, जो इनके मुँह से निकलता है वही पंच होता है, वही लाइन होती है। सो कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। छोटे मेरे साथ रहेगा, सीखेगा तू भी। बस पैसा आ जाए भारती, बस ये बोलने का सब पैसा लिया मैंने। नहीं, जोक सब। लेकिन भारती ने बहुत टैलेंटेड है और बड़ा मुश्किल होता है जब साथ में कोई इतना काबिल एंकर हो, उसको मैच करना, उसके साथ रहना। सो बहुत मज़ा भी आता है, कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है। लेकिन बस ये है कि दिल से करते हैं और जो हम घर करते हैं, जो हम घर पे हैं, जो हम रियल लाइफ में हैं, हम वैसे ही। क्योंकि जो घर में होता है वही स्टेज पे होता है, लोग हंसते हैं। कॉमेडी के तड़के में हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें लेके आए हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हम कॉमेडी बैठकर फेक क्रिएट नहीं करते कि भारती ऐसा कुछ बोलना। नहीं, हम ऐसे ही चले जाते और हम ऐसे ही मस्ती करते रहते। कहीं ना कहीं हम रोज़ जो जीते हैं, रोज़ जो मस्ती करते हैं, वही कहीं ना कहीं स्टेज पे दिखाते हैं। सो कॉमेडी का नया तड़का डेफिनेटली देखने मिलेगा और रोज़ देखने मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज़ हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। बिल्कुल। और इंडियन टेलीविजन में पहली बार हो रहा है कि रियल पति पत्नी एक साथ कोई शो होस्ट कर रहे हैं, वरना फेक ही बने होते हैं कि हस्बैंड वाइफ का करेक्टर कर रहे हो। तो ये रियल है, मतलब मारा मारी हुई तो वो भी रियल होगी। क्या कहूँ, बोलो ना बड़ा। वो बहुत अच्छी हैं, वो मलाइका मैम बहुत अच्छी है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मतलब हूँ भी, अभी भी हूँ। बट वो है कि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जजेस बहुत अच्छे हैं। ऐसे मत देख भारती, लेकिन जजेस बहुत अच्छे हैं, तीनों जजेस बहुत अच्छे हैं। मलाइका मैम थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनकी फिटनेस का बहुत बड़ा फ़ैन। इनके बिल्कुल किलर मूव्स नहीं है। मेरे किलर मूव्स है, बस देखने वाले शायद किल हो जाए क्योंकि ऐसे मूव्स होते हैं। बट ये है कि डांस बिल्कुल नहीं आता, ये बात मैं प्रूव कर चुका हूँ एक डांस शो में। बट बीच-बीच में यहाँ भी आपको कुछ अपने डांस की झलकियाँ दिखाते रहेंगे जिसको देख के आप हाय ऐसे कहेंगे। फैंस को बस इतना कहेंगे कि 29 फरवरी जो हमारा एक ऐसी डेट है जो 4 साल बाद आती है। ये बहुत स्पेशल डेट है और स्पेशल डेट पर बहुत स्पेशल शो आ रहा है, इंडियाज़ बेस्ट डांसर, जिसमें बनाने में आई एम श्योर बहुत मेहनत लगी है। बहुत डांसर्स के सपने हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी सपने हैं। सो बस उस मेहनत के लिए एक बार आप वो शो देख लीजिएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि एक बार देखोगे आप बार बार देखोगे। बिकॉज द लेवल ऑफ डांस, द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, वो कहीं एक बहुत अलग लेवल पे पहुंच गया। इसलिए नहीं बिकॉज हम लोग एंकर कर रहे हैं, बट वो आई एम श्योर कि आपने प्रोमोज में देखा होगा। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं कि यार भारती और हर्ष देखते हैं, हम कथा कथा मिस करते हैं। तो अभी कथा कथा आने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक आप हमें डांस शो में एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, ज़रूर जल्दी आएंगे, है ना हर्ष? जी, ज़रूर 100%। और देखना ना भूलिएगा 29 फेब से, अभी सैटरडे संडे रात 8 बजे, इंडियाज़ बेस्ट डांसर।